हाय गाइस, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मुंबई का निखिल वर्सेस यूएसी व्लॉग्स के बारे में। तो भाई, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पूरी स्टोरी पता होगी, एंड जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उनको शॉर्ट में बता देता हूं। तो भाई, मुंबई का निखिल दुबई गए हुए एंड वहां पर उन्होंने अपने बेबी की बर्थ से पहले जेंडर क्या है उसका पता लगवाया है, एंड इस चीज को वो अपने व्लॉग में बताते हैं। एंड जिस व्लॉग को देखने के बाद यूएसी व्लॉग्स अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज डाले जिसमें उन्होंने दो लॉज को गिराया। फर्स्ट लॉ, इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था जिसके अंडर बर्थ से पहले बेबी के जेंडर की जांच करवाना इलीगल है, एंड ऐसा करने पर 2 साल की जेल हो सकती है। सो इन सब बातों के थ्रू उन्होंने टारगेट किया था मुंबई कर निखिल को। एंड भाई, फाइनली मुंबई कर निखिल का इसके ऊपर रिप्लाई आ चुका है। उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जेंडर रिवील किया था और अभी भी कुछ लोगों के 0.1% लोगों की बात की, बाकी लोगों को भी एड्रेस करना ये जरूरी। कमेंट योर ट्वीट ये कर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया है। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से किया? व्हाई इट इज इलीगल इंडिया में चेक करने का इट्स मेल और फीमेल? बिकॉज बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में फीमेल इन्फेंटिस फीमेल्स को मार देते पैदा होने के पहले। कितनी गलत चीजें। तो रूल अभी बहुत अच्छी चीज है कि रूल है, कुछ लोगों को 0.1 लोगों को तकलीफ है। दुबई आके जेंडर रिवील नहीं किया, मैंने बताया नहीं अभी तक किसी को, सिर्फ मेरा चैनल के बीच। अभी जो कमेंट कर रहा है प्लीज अपनी एज भी लिखना, अगर फिर से कमेंट करने का सोच रहे हो, फिर से ट्वीट करने का सोच रहे हो, एज लिखना और क्वालिफिकेशन लिखना। जस्ट टू लेट यू नो, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया जहां पर पैसे से कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, बलून लेने गया था इंडिया में, इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल लिखा था? जब मैं केक लेने गया था, इट्स अ बॉय इट्स अ गर्ल लिखा था, तो मुझे कितने लोग सामने से बोलते थे, आप लोग को पता नहीं? मतलब मुझे नहीं पता, बोलते आप कोई भी क्लिनिक में जाओ पता लग पैसे देके। मैंने बोला आई डोंट वांट टू ब्रेक द रूल, आई डोंट वांट टू ब्रेक द लॉ, रूल भी नहीं लॉ है ये, आई डिडंट ब्रेक द लॉ इन माय कंट्री, आई एम स्टिल नॉट ब्रेकिंग अ लॉ। मुझे नहीं पता ना, अगर रूल नहीं भी होता तब भी मैं आप लोगों को नहीं बताता, बिकॉज इट इज अ सरप्राइज। आई हैव अ वेरी गुड सेट ऑफ एजुकेटेड ऑडियंस। एक और चीज, जेंडर रिवील इज काइंड ऑफ लीगल इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मैंने ऐसे जगह में आके किया है जहाँ पर ये लीगल है। और आप ऐसे किसी को लगता है कि कोई दुबई आएगा इतना खर्चा करके यहाँ पर रहेगा, हॉस्पिटल मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, मैंने अपने जेब से पैसे दिए। और एक चीज़ मैं अपनी कंट्री इंडिया के बारे में बोलना चाहूँगा, इंडिया बहुत सुधर गया इन टर्म्स ऑफ जेंडर। अभी ज़्यादा करके लोगों को लड़की चाहिए, मुझे गुजबम्स आ रहे बोलने के लिए। जितने मैं दोस्तों को जानता हूँ, जितने मैं दोस्तों के दोस्तों को जानता हूँ, सब लोगों को लड़की चाहिए। भाई देखो, लड़की आती है ना बरकत आती है, इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, और ये चीज़ धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। वो रूल्स है अपने इंडिया में, वो कुछ लोगों के लिए जिनको अभी तक अकल नहीं आई है कि लड़की क्या करती है जिंदगी में, लड़की जिंदगी बदल रही है। आप इन दोनों में से किसकी बात से अग्री करते हो प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। तो भाई चलिए हम बात करते हैं सौरव जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो भाई, सौरव जोशी व्लॉग्स आज के अपने व्लॉग में बताए कि उनके जो है 17 दिन से 17 वीडियोस लगातार ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं, मतलब डेली जो वो वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो ट्रेंडिंग पर जा रहा है। एंड गाइस, उनके 3 वीडियोस तो एक साथ ट्रेंडिंग पर है, एंड आई गेस ऐसा करने वाले सौरव जोशी इंडिया के पहले यूट्यूबर है जिनके 3 वीडियो लगातार ट्रेंडिंग पर है। तो भाई चलिए हम बात करते हैं थगेश के बारे में। तो भाई, थगेश ने कल अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया जिसमें आप देख सकते हो थगेश जॉस टॉक के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। सो गाइस, देखते हैं थगेश का जॉस टॉक एपिसोड कब आता है। पर्सनली मैं थगेश का एपिसोड देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, आप एक्साइटेड हो या नहीं प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। सो भाई चलिए हम बात करते हैं ट्रैवलिंग देसी के बारे में। तो भाई, ट्रैवलिंग देसी की कल मैरिज हो गई उनकी गर्लफ्रेंड से, जिसके बारे में उन्होंने अपनी वीडियो में बताया। सो उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। Christian or a Western wedding before ever in my life, and the first wedding I attended is my own. So, so in case I go wrong with something, I request for forgiveness or pardon in advance. ट्रैवलिंग देसी। तो भाई चलिए हम बात करते हैं मनोज डे के बारे में। तो भाई, मनोज डे कल एक इंटरव्यू देने गए थे रांची के रेडियो मिर्ची पर, जिसका व्लॉग भी उन्होंने अपने सेकंड चैनल पर डाला है। सो अगर आपको व्लॉग देखना है तो भाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस टू मनोज डे टू हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो भाई चलिए हम बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। तो भाई, एलविश यादव अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाले जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि उनका नेक्स्ट रोस्ट किसी भी टाइम आ सकता है। तो आप उनके नेक्स्ट रोस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हो प्लीज हमें कमेंट करके
जरूर बताना। तो भाई चलिए हम बात करते हैं धीरू मौंचिक के बारे में। तो भाई धीरू मौंचिक का न्यू सॉन्ग उनके चैनल पर अपलोड हो गया है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सुन सकते हो। तो भाई चलिए हम बात करते हैं द यूके 07 राइडर वर्सेस आमिर माजिद के बारे में। तो भाई आपको पता होगा इन दोनों के बीच अभी कितनी तगड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, एंड ये कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई, पहले किसकी गलती थी, एंड इस कॉन्ट्रोवर्सी में क्या क्या हुआ, इन सारी चीजों का एक्सप्लेन करते हुए द यूके 07 राइडर ने आज अपने इंस्टाग्राम पर एक IGTV वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने सारी बातों का एक्सप्लेन किया, जो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया है। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो यार बस आज के लिए उसने, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ब्लास्ट कर दो ब्लास्टर के बेल आइकन को। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।